नमस्कार, यह है हमारा YouTube चैनल और हम हैं सीटेट क्रैकर। पिछले क्लास में हमने देखा था एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, हम लोग देख रहे थे सिक्स क्लास का दूसरा चैप्टर अक्षांश और देशांतर। तो उसमें हमने आधा पढ़ लिया था, यानी कि अक्षांश और देशांतर का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया था। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अक्षांश और देशांतर को भलीभांति समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ हैं तो व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, है ना, फिर से उसको सोल्यूशन किया जाएगा। और पिछले क्लास में मैंने कुछ बोला था आपको कमेंट करने के लिए, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं किए तो मैं ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूछा था कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आप लोग नोट करिए, जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त इसको कहा जाता है अंग्रेजी में आर्कटिक सर्किल। क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्किल, ठीक है, आर्कटिक सर्किल कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त को। ठीक है, उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव वृत्त को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त को कहते हैं आर्कटिक सर्किल, जबकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, तीसरा मैंने पूछा था क्वेश्चन कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल देशांतर बराबर लिखिएगा, टोटल देशांतर की संख्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो 180 डिग्री पूर्व तक फैली हुई है और 180 डिग्री पश्चिम तक फैली हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगा 180 + 180 = 360। अब बोलिएगा कि सर आप अक्षांश रेखा में 2 घटाए थे, तो यहाँ पे आपको घटाना नहीं है, यहाँ पे आप इसलिए नहीं घटाना है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है, मान लें कि ये पूर्वी मान लेते हैं, और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो क्या है, वो दोनों एक ही देशांतर रेखा है। अब देखिए दोनों एक ही देशांतर रेखा कैसे है, हम इसको समझते हैं। तो देखिएगा, मान लिया कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और देशांतर रेखा किस तरह से खींचा हुआ है, इस तरह से खींचा हुआ है, बात को समझिएगा, है ना, ये देशांतर रेखा खींचा हुआ है। तो देख रहे हैं पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी गोल है और ध्रुवों के पास थोड़ी सी क्या है, चपटी है। ठीक है, तो देख रहे हैं, मान लें कि ये रेखा, जैसे सपोज डैट, ये देखिए ये रेखा जो है, तो ये रेखा देखिए कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ तक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही भाग वाला हमको, मतलब कि अगर इधर से पृथ्वी को देखते हैं तो ये रेखा दिख रहा है, जबकि इसी का भाग ये भी है, ये पूरा गोल क्या है, एक रेखा है, लेकिन इधर वाला भाग क्या हो रहा है, इधर वाला भाग नहीं दिख पा रहा है। तो इसीलिए फिर से हम अगर इधर से पृथ्वी को देखेंगे तो इधर वाला भाग नहीं दिखेगा, इधर वाला भाग, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, दोनों एक ही देशांतर रेखा है, क्योंकि हमको एक ही साइड से दिखाई पड़ता है, पिछला भाग दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 देशांतर रेखा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग, बात समझ गए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, ओके। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा आगे एक चीज़ और पूछा जाता है इस चैप्टर में कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर कितना होता है। तो लिखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है, 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर 111 किलोमीटर, तो याद रहेगा इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, आज हमारा दूसरा भाग है इस चैप्टर का। तो देखिए हम लोग आगे, देखिए पिछले क्लास में हम चल रहे थे देशांतर रेखा की ओर। ठीक है, तो देशांतर रेखा में हमने देखा था कि देशांतर रेखा का प्रयोग किस लिए होता है, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमको किसी भी वस्तु का स्थिति बताने के लिए दो रेखा चाहिए, एक अक्षांश रेखा चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, देशांतर रेखा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें क्या है,
डायग्राम में है क्या? तो देखिए यहाँ पे आ दिख रहा होगा आपको, ये वाला आ है ना, उसके बाद आपको धा दिख रहा होगा, फिर सा दिख रहा होगा, फिर बा दिख रहा होगा, फिर द दिख रहा होगा। तो ये कहा गया इस डायग्राम में, जो कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया, कहा गया है कि आ की स्थिति बताना है। किसका स्थिति? आ की स्थिति। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आप देखेंगे कि वृत्त आ, जो वृत्त आ है ठीक है, ये जो वृत्त है खा डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि खा डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको मान लीजिए खा डिग्री उत्तर में ठीक है, तथा एक डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए यहाँ पर एक डिग्री पूर्वी हो गया ये, और खा डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पे ये स्थित है। तो इसी प्रकार हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का स्थान हम लोग बताते हैं। तो इतना तक आप लोग समझ गए थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ठीक है। तो आज हम लोग आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है देशांतर और समय ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है, और हर एक बार सीटेट में एक ना एक ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। तो देखिए देशांतर और समय, यानी कि किसी भी जगह का समय बताने के लिए, मान लिया कि भारत में इस टाइम 12 बजा है, तो लंदन में कितना बजा होगा ठीक है। तो कहते हैं ना कि लंदन से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, लंदन हमसे 5.5 घंटा क्या है, पीछे है ठीक है। तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं कि भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे है या 5.5 घंटा पीछे है या जो भी है ना, तो उसको हम लोग किस प्रकार से पता करते हैं, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है ठीक है। सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता रहता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसा कि प्राचीन काल में हम लोग जानते भी हैं कि लोग सूर्य की परछाई जो होती थी उससे क्या करते थे, समय का अनुमान लगा लेते थे, यानी कि दोपहर में सबसे छोटी होती थी परछाई एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी। तो उसी के अनुसार लोग स्थानीय समय का अनुमान लगाते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है ठीक है। साइंटिफिक युग है, वैज्ञानिक युग है, तो वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने खोज किया कि किस विधि से, मतलब कि हम जान सकते हैं कि इतना, मतलब इस स्थान पर इतना बजा होगा या फलाने स्थान पर इतना बजा होगा, तो उसको हमको समझना है। तो देखिए कहा गया है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामियोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि कहा गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरा है, तो वो आपको लंदन के शहर ग्रीन बीच से होकर के गुजरा है ठीक है। ये ग्रीनिच जो शहर है ये कहाँ का शहर है, तो लंदन के शहर ग्रीन बीच से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है, और उसी को पूरे, मतलब मानक समय माना गया है उसी को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ठीक है, उसी के अनुसार किसी भी देश का समय निर्धारित होता है ठीक है, जो कि लंदन के शहर ग्रीन बीच से होकर के गुजरती है ठीक है। आगे देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है ठीक है। याद रखना है आप लोग को कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगाती है, ऊपर में नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर इधर से लगाना शुरू करती है और इधर की ओर जाती है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को नोट करना है ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है सूर्य का, तो दिन भर में यानी कि 24 घंटे में, बात को समझिएगा आप लोग ठीक है, यहाँ पे हम सादा पेज ले रहे हैं आपको समझाने के लिए ठीक है। देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में, यानी कि 24 आवर में एक चक्कर लगाएगी तो कितना डिग्री घूमेगी पृथ्वी, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360 डिग्री। यानी कि पृथ्वी अगर एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे तो कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 डिग्री घूमेगी ठीक है। 360 डिग्री कितना घंटा में घूम रही है, तो 24 घंटा में ठीक है। तो एक घंटा में कितना घूमेगी पृथ्वी, तो देखिए 360
बटा 24, यानी कि काट देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, समझिएगा बात को, यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। हमको याद रखना है कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 डिग्री। इतना तक समझ गए हैं तो आगे चलते हैं, एक बार यस लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, यानी कि पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। अब देखिएगा आगे कि 1 घंटा में कितना घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 60 मिनट होता है। ठीक है, तो घंटा को मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर, 1 मिनट मतलब कि 1 डिग्री कितना मिनट में घूमेगी पृथ्वी, तो देखिए 15 चौका 60। ठीक है, इधर बच गया 1 डिग्री। ठीक है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ से देखिएगा कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, आपको एकदम रट लेना है माइंड में कि पृथ्वी 1 डिग्री कितना मिनट में घूमती है, तो पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, भली बात ही समझ गए हैं, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में तो 360 बटा 24 कीजिएगा तो 15 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर घंटा को हम लोग मिनट में कर दिए, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना मिनट में, तो 1 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, यानी कि 15 चौका 60, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। आगे चले, एक बार ओके लिखिए सब मिल करके, आगे चलते हैं। देखिए वही बात यहाँ पे आपको समझाया भी गया है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो इससे हमको पता क्या चला, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि इससे हमको क्या पता चला, तो इस प्रकार जब ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, यानी कि जो GMT है हमारा, ग्रीन बीच मेरिडियन टाइम है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, अगर वहाँ पे 12 बजेगा, ठीक है, तब ग्रीन बीच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा, 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीन बीच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, बात को यहाँ समझिएगा, लेकिन ग्रीनिज से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिज समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिज पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, अगर नहीं भी समझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो हम आपको समझाते हैं, देखिएगा, नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए कह क्या रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री कितना मिनट में घूमती है, तो 4 मिनट में। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है। ठीक है, और पृथ्वी घूमती कैसे है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखिएगा कि मान लिया कि जैसे हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, देखिए ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको मान लीजिए 0 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको 15 डिग्री मानिए, ठीक है, और इसको भी 15 डिग्री मानिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ इसको 15 डिग्री और इसको भी 15 डिग्री। अब देखिएगा ये जो 15 डिग्री है ये कौन सा रेखा है, तो ये 15 डिग्री पूर्वी यानी कि ईस्ट, इसको हम लिख सकते हैं, ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और पृथ्वी 1 डिग्री कितना मिनट में घूम रही है, 4 मिनट में घूम रही है। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री से 15 डिग्री जाने में, ठीक है, 0 डिग्री से 15 डिग्री जाने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो देखिए 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर, तो 15 गुना 4 कर दीजिए, तो 15 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा आप लोग पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार
इधर आ जाइए, इधर दूसरा कलर हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार भी पृथ्वी को इधर आने में 15 डिग्री गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट इधर भी हो जाएगी, ठीक है। 60 मिनट इधर भी हो रहा है और 60 मिनट इधर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़े कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाती है पृथ्वी, वेस्ट टू ईस्ट जाती है पृथ्वी, ठीक है। तो जैसे ही पृथ्वी 0 डिग्री से यानी कि पूरब में बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से आप पूरब में जितना डिग्री जाइएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय क्या होगा, प्लस होते जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय प्लस हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना है और कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि जब हम यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, मतलब कह लीजिए इसको सीधा सीधा आप कह लीजिए कि 0 डिग्री से पूरब की ओर आप जितना भी डिग्री जाइएगा आपका समय 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए जब हम 15 डिग्री जाएंगे पूरब की ओर तो हमारा समय क्या होगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि बात को समझिए, ठीक है। 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हमारा समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने के कारण मान लिया कि 0 डिग्री पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक है। और अभी हम क्या बोले कि जैसे ही आप पूरब जाइएगा, 0 डिग्री से पूरब जितना भी डिग्री जाइएगा तो समय क्या होगा आपका, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप गए हैं कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो 15 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट हमारा समय बढ़ जाएगा, यानी कि 1 घंटा हमारा समय बढ़ेगा, प्लस होगा। तो 15 डिग्री पे पूरब में कितना बजेगा, तो 1 बजेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पश्चिम की ओर जाइएगा, ठीक है, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जितना भी डिग्री जाइएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि आपको सीधा सीधा यहाँ से समझना है कि पूरब की ओर जाने पे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय घटता है, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो 60 मिनट समय क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 1 घंटा हमारा समय क्या होगा, घटेगा। इसलिए यहाँ पे अगर 0 डिग्री पे 12 बजा हुआ है तो 15 डिग्री पश्चिम में कितना बजेगा, 11 बजेगा, ठीक है। यानी कि 15 डिग्री पश्चिम में जो भी देश यहाँ पे होगा स्थित, ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं कि 15 डिग्री पे कौन सा देश स्थित है, जो भी देश स्थित हो, बात की मतलब है, ठीक है। तो 15 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 1 घंटा समय यानी कि घट जाएगा, यानी कि इधर 11 बजेगा, और जैसे ही आप पूरब जाइएगा तो 1 बजेगा। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सभी मिलकर यस सर लिखिए, एक बार जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि ईस्ट की ओर जाने पे, ठीक है, ईस्ट की ओर जाने पे यानी कि पूरब की ओर जाने पे हमारा समय जो है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा। और वेस्ट की ओर जाने पे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय माइनस होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। और कैसे 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 हुआ ये आप लोग समझ चुके हैं, भली बात ही, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 0 डिग्री पे 12 बजा है तो जितना भी डिग्री, एक डिग्री बढ़ेगा तो 4 मिनट समय बढ़ेगा पूरब की ओर, पश्चिम की ओर जाइएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय घटेगा, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि हम मानक समय मानते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि हमको एक मानक समय मतलब कि बनाना पड़ा, जिस प्रकार हम विश्व के लिए 0 डिग्री बनाएं, ठीक है, उसी प्रकार से भारत के लिए भी मानक समय होना चाहिए। इसके लिए कारण क्या है कि हमको मानक समय बनाना पड़ता है, यानी कि अलग अलग स्थानों के स्थानीय समय में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यानी कि अगर आप पटना में हैं तो आपका समय क्या होगा मुझे पता नहीं, और मैं बिहार शरीफ में हूँ तो मेरा समय क्या होगा पता नहीं। इसीलिए मानक समय बनाया गया कि पूरे देश में एक समय में सारे देश का समय क्या हो, एक हो। क्योंकि क्या होगा, ऐसा नहीं होने से क्या होगा
कि रेलगाड़ी का जो समय टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो तैयार करने में गड़बड़ी हो जाएगी, कठिनाई होगी, ठीक है। बैंकों के खुलने का समय इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि सपोज डेट, मेरा बात समझिए कि पटना मान लिया कि 8 बजे बैंक खुल रहा है, तो आपके यहाँ बैंक 9 बजे खुल रहा है, ठीक है। मतलब कि बैंक अगर 10 बजे खुलता है तो कहीं पर 10 बजे खुल रहा है, कहीं पर 10:30 में खुल रहा है, कहीं पर 11 बजे खुल रहा है। तो इसीलिए मानक समय बनाया गया कि एक ही समय को मान करके सारे देश में एक ही समय को फॉलो किया जा सके। इसलिए क्या किया गया, एक मानक समय बनाया गया, जो विश्व का मानक समय क्या है, 0° यमयोत्तर है, देशांतर यमयोत्तर 0°, जो लंदन के शहर ग्रीन बीच से होकर के क्या करती है, गुजरती है। ठीक उसी प्रकार भारत में भी इसकी आवश्यकता पड़ी कि भारत में क्या होना चाहिए, भारत का एक मानक समय होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पूरे देश का यानी कि भारत का, बात को समझिएगा, पूरे देश का यानी कि भारत की बात की जा रही है, ठीक है। पूरे देश का मानक समय भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इस पॉइंट को, कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यम्योत्तर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यम्योत्तर माना गया है, यानी कि भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री है, ठीक है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, और ऐसा इसलिए किया गया कि सभी जगहों पर एक ही समय में सारा काम हो, यानी कि पूरे देश का एक ही टाइम फॉलो किया जा सके, ठीक है। तो देखिए, भारत का ये मैप है, इस चीज़ को समझिएगा, इसको समझ लिए तो आपका ये चैप्टर पढ़ना सफल हो जाएगा, ठीक है। ये भारत का मानक समय के बारे में ये चैप्टर है, टॉपिक है ये हमारा। तो देखिए, भारत का मैप दिया हुआ है, तो देखिए भारत जो है इधर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। और अभी हम क्या बताए थे आपको, कि जैसे ही आप पूरब की ओर यानी कि ईस्ट की ओर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़िएगा, तो समय क्या होगा, 1 घंटा, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय बढ़ेगा, ठीक है। और पश्चिम की ओर जाइएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय घटेगा। तो भारत जो, देखिए भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि कितना से कितना डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, तो देखिए भारत जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से ले करके, ठीक है, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि आपको पूछेगा कि भारत कितना से कितना डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, तो भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से ले करके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक स्थित है। और इधर जो है लास्ट बिंदु जो छूता है, ठीक है, जहाँ पे 97 डिग्री पूरब है, वो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर आपको गुजरात पड़ता है, यहाँ पे 68 डिग्री के आसपास में कौन कौन सा स्टेट पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा। जो अंतिम बिंदु अरुणाचल प्रदेश की है, जहाँ से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, उस जगह का नाम है कीबीथू, इसको याद रखिएगा। उस जगह का नाम क्या है, कीबीथू, यानी कि पूरब में जहाँ भारत 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को टच करता है, उस जगह का नाम क्या है, कीबीथू। और इधर पश्चिम में गुजरात में जिस जगह भारत पूर्वी देशांतर रेखा को यानी कि 68 डिग्री को टच करता है, उस जगह का नाम है गुहार मोता, गुहार मोता या मोती कह सकते हैं इसको, इस जगह का नाम है क्या, गुहार मोता, ठीक है। अब देखिए, भारत जो है 68 डिग्री पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ये बात हम समझ गए। तो भारत का मानक समय कैसे निकाला जाएगा, उसको तो आप निकाल लिए कि 0 डिग्री जो विश्व का हमारा मानक समय है, जो 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री पूरब है, 180 डिग्री पश्चिम फैला हुआ है, लेकिन भारत है 68 डिग्री पूरब से लेकर के 97 डिग्री पूरब तक, तो इसको किस प्रकार से, यानी कि बीचों बीच से एक रेखा गुजारनी होगी, ठीक है, तभी तो भारत का मानक समय माना जाएगा ना। क्योंकि देखिए, अगर आपको मतलब कि बराबर भाग में बांटना है किसी भी चीज़ को, तो क्या आप क्या करते हैं, उसको बीच से काट देते हैं, ठीक है, उसको बीच से काट देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार भारत को भी क्या किया गया, कि बीचों बीच से एक रेखा गुजारी गई, जो रेखा है कितना, 82.5 डिग्री। अब देखिए, ये 82.5 डिग्री आया कैसे, इसको कैसे माना गया कि 82.5 डिग्री ये रेखा होगा, तो इस बात में देखिए बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको सुनने में, सुनिए उसको। देखिए, ये 82.5 डिग्री जो है वो कैसे आया, तो इस बात को समझिएगा।
तो अब आप जोड़िए, अभी हम क्या बोले कि अगर किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भाग में बांटना है तो उसको क्या करते हैं, उसको बीच से काट देते हैं और दो बराबर भाग में क्या होता है, बट जाता है। तो उसी प्रकार भारत से एक रेखा गुजरा गया बीचों बीच से, यानी कि यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ से और यहाँ से बराबर होना चाहिए दूरी, तभी तो बीचों बीच से एक रेखा गुजरेगा और उसी को माना जाएगा भारत का मानक समय। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए बीचों बीच से गुजारा गया तो कैसे हो गया, तो देखिए 68 अदू कितना होता है, जोड़ते हैं हम लोग, 68 अदू 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 7 97। हम लोग 68 से 97 तक कैसे पहुँचे, तो 68 अदू 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 7 97। अब आप इसको जोड़ लीजिए, अब आप क्या करिए इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना जोड़ कर क्या आएगा, तो देखिए 10 10 20, 20 और 7 2 9 29, ठीक है 29 आ गया। तो 29 को दो भाग में बांटिएगा तो कितना होगा 14.5, ठीक है 29 को यानी कि आप 29/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 14.5, यानी कि 14.5। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अगर आप इतना तक समझ चुके हैं तो अब आपको यहाँ से क्या करना कि 68 में 14.5 जोड़िए, 68 में कितना जोड़ना है आपको 14.5, ठीक है। तो देखिए 82.5 डिग्री आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आ जाएगा, 68 में 14.5 जोड़िएगा तो 82.5 डिग्री इधर आ जाएगा, और 97 में 14.5 घटाइए, इसमें 14.5 घटा दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए जो 82.5 डिग्री जो रेखा है उसको भारत का मानक समय माना गया है, ठीक है। भारत का मानक समय कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी यम्योत्तर, यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत का मानक समय है। और कैसे हुआ ये इसको आप लोग समझ गए, ठीक है, कैसे बनाया गया 82.5 डिग्री। और ये गुजरती है आपको इलाहाबाद के नैनी से होकर के, ये कहाँ से गुजरती है, ये आपको इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो कर्क रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा, वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए कि 82.5 डिग्री जो है वो भारत का क्या है, मानक समय है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से फिर समझिएगा आप लोग एक चीज़ को, भारत का मानक समय कितना हो गया 82.5 डिग्री, ठीक है। और उधर हम कितना बताए थे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भारत है, भारत का मानक समय है कितना, तो 82.5 डिग्री। तो अब आप क्या कीजिए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 82.5 को 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है 82.5 को क्या करिए 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 चौका 20, ठीक है 4 दुनी 8 और 8 है इसका बाकी 2, तो 8 2 10, ठीक है 10 बाकी 1, 8 चौका 32, 1 33, ठीक है। यहाँ पे दशमलव का दशमलव भी रह गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 330 मिनट आ गया 82.5 डिग्री बराबर, जो कि 82.5 डिग्री है कि हम भारत का मानक समय रेखा है। तो 82.5 डिग्री बराबर आया कितना, 330 मिनट। तो अब अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग, तो देखिए 330 जो मिनट है इसको घंटा में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा, 60 से भागा दीजिएगा, ठीक है। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सॉरी 330 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा आपका कन्वर्ट करने पे, ठीक है। यानी कि जब आप 60 से भागा दीजिएगा तो कुल आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है लंदन से 5.5 घंटा आगे है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5.5 घंटा किधर होगा, भारत है किधर, तो पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो अभी हम आपको बताए थे इस थोड़ा देर पहले कि जैसे ही आप 0 डिग्री से पूरब की ओर जाइएगा तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 मिनट समय आपका बढ़ते हुआ चला जाएगा। तो आपको जाना है कितना 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जाना है, 82.5 डिग्री जाइएगा तो कितना समय बढ़ेगा, 5.5 घंटा, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे कह लीजिए कि लंदन में अगर 12 बजा है दोपहर का तो भारत में शाम का 5.5 बजेगा, ठीक है। अभी यानी कि अगर आपको कितना जो भी टाइम हो रहा है आपके घड़ी के अनुसार, तो उसमें 5.5 घंटा घटा दीजिए, वही लंदन का समय होगा, ठीक है। और जो देश पश्चिम में स्थित है, यानी कि मान लीजिए कि अमेरिका, अमेरिका पश्चिम में स्थित है, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर स्थित है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट घटाना होगा, ठीक है। यानी कि लंदन में 12 बज रहा है तो वहाँ पे अमेरिका में कितना बजेगा, तो घटा दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो भी देश है
अमेरिका ही नहीं, मानिए कोई भी देश जो स्थित है पश्चिम में, तो पश्चिम की ओर जाने पर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय हमारा क्या होगा घटेगा, पूरब की ओर जाने पर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट समय हमारा बढ़ेगा। इसीलिए भारत जो है लंदन से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि जब लंदन में, यानी कि जब 0 डिग्री पे 12 बजेगा, ठीक है, 0 डिग्री पर जब 12 बजेगा तो हमारे देश में कितना बजेगा, भारत भारत में 5.5 बज जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सभी का माइंड सेट हो गया, तो एक बार फिर से यस लिखिए। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ओके लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हो गया, 5.5 घंटा, तो 5.5 घंटा जो है भारत क्या है वहाँ से आगे है। यानी कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7.5 बजे होंगे। यानी कि जब आपके यहाँ 7.5 बजेगा तो लंदन में 2 बजेगा, लंदन में 2 बजेगा तो भारत में कितना बज जाएगा, 7.5 बज जाएगा। यानी कि आप सीधे सीधे कहिए कि जो भारत है लंदन से 5.5 घंटा आगे है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको हमारा जो आज का क्लास है समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इन पे आधारित, समय पे आधारित, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देख लीजिए एक बार। तो देखिए कहा गया है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो आंसर क्या होगा, भूआब, ठीक है। पृथ्वी कैसी है, भूआब है, यानी कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है भूआब, जियोइड। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब जो है क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक प्रारूप है, ठीक है। ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का प्रारूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट करिए। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पहले हो गया उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ क्या हैं, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ, देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो पृथ्वी की जो, ठीक है, पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा और वर्टिकल लाइंस को कहते हैं देशांतर रेखा। और इसको और कह सकते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा पृथ्वी पर एक जाल के जैसा फैले हुए हैं जो भी किसी भी वस्तु के स्थिति को बताने के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। अगला देखिए, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वर्ष भर में कम से कम दोपहर में एक बार सिर के ऊपर चमकता है, यानी कि सीधा चमकता है, बिल्कुल दम सिर के ऊपर 90 डिग्री पर चमकता है, इसलिए यहाँ पे उष्ण कटिबंध में ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमारा देश जो है वहाँ से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आगे है। तो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है, तो 82.5 को 4 से गुना करिएगा तो 5.5 घंटा आएगा। तो हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे पूरब की ओर जाते हैं तो समय हो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्या होता है, बढ़ते जाता है। अगला देखिएगा, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, प्रमुख याम्योत्तर, तो याम्योत्तर देशांतर रेखा को कहा जाता है, तो प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। दक्षिणी ध्रुव स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव स्थित है आपको दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीड किसका जाल है, तो देखिए ग्रिड जो है अक्षांश एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल है, अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े, ठीक है। आगे देखिएगा, खाली स्थान को भरना है, यही यही सब सारे क्वेश्चंस को मतलब कि घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा सीटेट में पूछा जाता है। तो देखिए कर लीजिए, मकर रेखा, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो कह सकते हैं 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री साउथ पर स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर, तो भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री 82.5 जिसको कह सकते हैं, 0 डिग्री याम्योत्तर को ग्रीन 0 डिग्री याम्योत्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीनिज के नाम, मतलब कि ग्रीनिज कह सकते हैं इसको, ग्रीनिज भी कह सकते हैं, और 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको प्रमुख याम्योत्तर भी बोल सकते हैं, प्रमुख याम्योत्तर, 0 डिग्री को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। देशांतरों के बीच की दूरी
ध्रुवों की तरफ घटती है, देशांतरों के बीच की दूरी जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाइएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाइएगा तो दूरी घटेगा और विषुवत रेखा के पास क्या होगा, बढ़ेगा। उत्तर ध्रुव वृत्त, तो उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी। तो ये था हमारा तो चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा जो अभी आप पढ़े समय निकालने के लिए, तो उस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिए। देखिए अभी जो हम लोगों ने समय निकालने के लिए पढ़ा, तो उसी पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं, दो तीन क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, यानी कि 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि अहमदाबाद जो है 72 डिग्री ईस्ट पर स्थित है, 72 डिग्री 30 मिनट को आप 72.5 भी कह सकते हैं, 72.5 भी कह सकते हैं, ठीक है, 72.5 भी हम लोग बोल सकते हैं 72 डिग्री को, 72 डिग्री 30 मिनट को। तो देखिए कहा गया कि अहम क्वेश्चन को समझिएगा, कहा गया कि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारत का मानक समय 8 बजे प्रातः है, ठीक है, यानी कि भारत का मानक समय रेखा कितना है भारत का, तो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अहमदाबाद कहाँ पे है, तो अहमदाबाद 72.5 डिग्री पे, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा आपको 10 डिग्री का, ठीक है, बात को समझ रहे ना, अंतर कितना डिग्री का हो गया, तो अंतर हो गया 10 डिग्री का। तो अब आप यहाँ से बताइए कि 1 डिग्री बराबर कितना, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर, तो 10 डिग्री बराबर 40 मिनट है ना, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 10 डिग्री बराबर 40 मिनट। तो देखिए पूछा जा रहा है कि 72.5 डिग्री पे समय कितना होगा, तो 82.5 डिग्री से पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, पहले ये दिमाग में लाइए। तो हम लोग को जाना है किधर, पश्चिम, क्योंकि पूरब जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि भारत ही मतलब कि 97 डिग्री पर लास्ट कर रहा है, ठीक है, पूरब की ओर। और पश्चिम में कितना डिग्री पे है, तो 68 डिग्री पे, तो 68 डिग्री के बाहर भी कह रहा है 72 डिग्री जाना है हमको, ठीक है, क्वेश्चन मतलब बनाया गया है। तो हमको जाना कहाँ पे, तो पश्चिम की ओर जाना है, तो पश्चिम क्या होगा, तो समय घटेगा, तो 40 मिनट 8 बजे में घटा दीजिए, 8 में 40 मिनट घटाइएगा तो कितना हो जाएगा समय, 7 बज के 20 मिनट प्रातः, ठीक है, 40 मिनट हम लोग घटाएंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं किधर, तो 82.5 डिग्री से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और पश्चिम की ओर जाने पे क्या होता है, समय 1 डिग्री बराबर 4 मिनट घटता है, तो हमारा यहाँ पे कुल 40 मिनट आया है, तो 40 मिनट 8 बजे में 40 मिनट घटाइएगा तो कितना होगा, 7 बज के 20 मिनट प्रातः। समझ गए इस क्वेश्चन को, तो एक बार यस कीजिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, कहा गया कि जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा, ठीक है, जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि भारत का जो समय है वो क्या है, इंग्लैंड से लंदन से 5.5 घंटा क्या है आगे है, तो भारत में कितना बज रहा है, तो 8:30 बज रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि 5 घंटा 30 मिनट घटाना है, माइनस करना है, ठीक है, तो आप 8:30 में 5 घंटा 30 मिनट माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 3 बजेगा, ठीक है, इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा, सांझ के 3 बज रहा होगा, जब भारत में 8:30 बज रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3, ये हमारा आ जाएगा आंसर, यानी कि जब इंग्लैंड में 3 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा, 8:30 बजेगा, क्योंकि भारत का जो समय है इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ गए, तो एक बार यस करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया है कि दो शहर एन और एम ग्रीनिच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम स्थित है, इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा, ठीक है, यानी कि दो समय कहा गया है कि मान लिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो एक शहर स्थित है किधर, पूरब में 15 डिग्री पे, इसको ईस्ट मान लीजिए, और कहा गया है एम जो है पश्चिम में 15 डिग्री पर स्थित है, ये वेस्ट में 15 डिग्री पे स्थित है, तो कहा गया कि इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा, ठीक है, तो 0 से 15 डिग्री पूरब जाइएगा तो कितना होगा, 1 घंटा इधर हो जाएगा, 1 घंटा आगे, ठीक है, और 15 डिग्री से 0 की ओर जाएंगे,
ठीक है, तो 1 घंटा इधर भी हो जाएगा, यानी कि कुल मिला करके 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों शहरों के बीच में समय का 2 घंटे का अंतर होगा, 2 आवर्स का अंतर होगा। ठीक है, इन दो शहरों के समय में 2 घंटे का अंतर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं तो ये आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो एक बार फिर से लिख दीजिए ओके सर। और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दोस्तों को बोलिए कि सर, मतलब कि दोस्तों को समझाइए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उनको सीटेट की तैयारी करने में बिल्कुल मुफ्त तैयारी करवाई जा रही है लॉकडाउन में, ये व्यवस्था हम लोग आपके लिए ही किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, आपका आभार होगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।